हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेरी ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं अपने खेत पे और खेत पे लग रहे हैं धान, मतलब कि अभी कदहर लगा रहे हैं धान के लिए। खेती तैयार हो रही है, जो धान की खेती होती है उसके लिए पहले अभी खेत तैयार कर रहे हैं। तो हम अभी आए हैं खेत पे, जो कि ये पीछे लोग बैठे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये आए हैं खाना लेके यहाँ पे। तो भाई गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी हालत इसलिए अच्छी है कि हवा चल रही है काफ़ी मस्त और हम हैं बाग में, पेड़ के नीचे बैठे हैं और मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे पीछे बाग में आम भी हैं, जो कि अभी खाए थे लोगों ने। इस बंदे का भी पेट पूरा फुल है, इसने काफ़ी सारे आम खाए तोड़ के, मतलब कच्चे आम हैं, पके नहीं हैं। तो ये अपने दोस्त लेके आए थे खेत पे खाना, तो अभी खाना खाने में थोड़ा टाइम, अंकल चला रहे हैं ट्रैक्टर, तो जब तक वो खाना खाने आते हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बाग दिखा देता हूँ। ये हमारे खेत के बराबर में है बाग, आम का बाग है ये। ये है मेरे पीछे जस्ट आम लगे हुए, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, तो ये है बाग आम का। ये देखो काफ़ी अच्छे फल लग रहे हैं, ये है अभी कच्चा आम है इस टाइम पे। ये अंकल सामने आम तोड़ते हुए, जो कि इनका ठेका चल रहा है यहीं बाग में, इन्होंने फल खरीद रखे हैं इसके, ये आम तोड़ रहे हैं। ये देखो अभी पास से आके दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमारे यहाँ के बालक इतने छोटी छोटी उम्र में ये आम तोड़ते हैं पेड़ पे चढ़ के, काफ़ी ख़तरनाक मेहनत करते हैं ये देखो। जो कि ये आम अभी कच्चे हैं, इनको पकाया जाएगा, केमिकल लगा के कार्बेट लगा के पकाते हैं इन्हें। ये आम तोड़े जा रहे हैं, ये देखो इन्होंने ढेर सारे आम नीचे गिरा रखे हैं ये, और बाकी अंकल ने इसमें लगा रखे हैं पेटी में, और अंकल तोड़ रहे हैं इसको डंडे से। ये काफ़ी स्मार्ट वर्क है, पेड़ पे चढ़े ही बिना नीचे ही नीचे आम तोड़ लिए जाते हैं। और ये बच्चे मौज मस्ती में है काफ़ी, ये मज़े ले रहे हैं, आनंद आ रहा है इन्हें काफ़ी, कच्चे आम खा के पेट भरते हैं अपना यहीं पे। तो गाइज़ ये बच्चे तोड़ रहे थे आम, अंकल के साथ मिलके उनकी हेल्प करा रहे थे, और हमने थोड़ी सी बातचीत की इनसे और हमें भी मिला एक आम, कच्चा आम, जो कि इसे खाएंगे। तो ये मैंने दिखाया आपको बाग, अब चलते हैं अपने खेत की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जब हम चावल की खेती करते हैं तो उसके लिए ज़मीन कैसे तैयार की जाती है। जो कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो बन के आता है उसे हम चावल बोलते हैं, लेकिन अभी जो ये लगाएंगे हम, इसके चावल के प्लांट्स लगेंगे छोटे छोटे, तो उसे हम बोलते हैं धान। तो इसको सिंपल भाषा में बोला जाता है धान की खेती। तो ये अभी हम धान की खेती कर रहे हैं, और धान की खेती के लिए कर रहे हैं अभी ज़मीन तैयार। अब चलते हैं अपने खेत की तरफ, और अंकल से कहते हैं मैंने कि चलो खाना वाना खा लो, काफ़ी टाइम हो गया, गर्मी लग रही है बहुत ख़तरनाक, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। तो इस खेती को तैयार करने की पूरी प्रोसेस इतनी है कि पहले ये एक प्लेन खेत होता है, बिना पानी के हम इसको हैरो से जोतते हैं, उसके बाद इसमें फिर हम पानी भरते हैं, जो कि पानी भरने के बाद हो जाती है ऐसी, फिर इसके बाद बीच में इसमें मेड़ें डाली जाती हैं, जो कि इसमें आपको दिख रही होंगी वो बीच में डल चुकी हैं। फिर उसके बाद हम ट्रैक्टर से मारते हैं कदहर, जो कि अंकल मार रहे हैं सामने। कुछ लोग रूटर वेटर से मारते हैं, कुछ लोग हैरो से मारते हैं, और फिर कदहर लगने के बाद मारते हैं इस पर पटेला, और पटेला लगने के बाद ये सिंपल हो जाता है धान लगने के लिए खेत तैयार। उसके बाद हम जाते हैं खेत से पौध उखेड़ के लाते हैं, फिर लगाते हैं हम खेत में। और जब ज़मीन तैयार हो जाती है धान लगाने के लिए पूरी कंप्लीट, जब ये खेत हो जाता है, तो उसके बाद हम लगाते हैं धान के छोटे छोटे पौधे। ये कुछ लगने के बाद ऐसे दिखाई देता है, ये पहले लग चुके हैं, अब से 10-15 दिन पहले के ये धान लगे हुए हैं। तो उस खेत की सेम प्रोसेस ऐसी होगी, वो अभी फाइनल चल रहा है, वो पटेला लगने के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये खेत। फिर इसके बाद ऐसे ही धान लगाए जाएंगे इसमें, जो कि इस तरह से दिखाई देगा आपको, इस तरह से ये प्रोसेस होती है इसके धान को बोने की। फिर इसके बाद इसमें पानी लगता रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन खुशक नहीं रहनी चाहिए, अगर इसमें पानी नहीं रहा तो ये खेती ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसमें पानी बहुत भरपूर देना पड़ता है, और उसमें खाद डाला जाता है, दवाइयाँ डाली जाती हैं। इस तरह से ये खेती तैयार होती है। तो ये धान की पूरी प्रोसेस है कि किस तरह से धान की खेती की जाती है। तो धान की खेती करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन किसानों को आदत पड़ चुकी होती है, उनको इतनी ही मेहनत करने की आदत होती है, क्योंकि भाई पेट पालना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि चावल खाने बहुत आसान है, लेकिन चावल को उगाना बहुत ही ख़तरनाक काम है। ये धान की खेती में सबसे ख़तरनाक काम जो पड़ता है वो लगता है पानी लगाने का। अगर इसमें खेती में पानी नहीं दिया गया तो ज़मीन फटने लगती है, सूखने लगती है, जिससे खेती ख़राब हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम यही है कि 45 से 47 डिग्री तक के तापमान में, इतनी गर्मी में यहाँ पर पानी लगाया जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ मोटर तो है नहीं, लेकिन मैं अभी आपको लेके चलता हूँ मोटर पे, जहाँ से ये पानी आता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है खेती के लिए वो ये है,
अगर ये पानी की समरसेबल अगर नहीं हो, ये मोटर अगर इससे पानी नहीं लगाया जाए तो कुछ नहीं है भाई। बरसातों वाला सीन चला गया। जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे वो अल्लाह भरोसे बैठे रहते थे कि भाई पानी पड़ेगा तो खेती की जाएगी। तो आज की डेट ऐसी है कि भाई इतने साले कुर्मी लोग हैं, इतने गुनाहगार हैं कि खुदा भी नाराज है प्रकृति से। मतलब जहाँ नहीं ज़रूरत होती वहाँ तो बहुत आ जाता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं पड़ पाता है। अगर रहते हैं बरसात के पानी के ऊपर तो कभी खेती नहीं हो पाएगी ढंग से, इसलिए समरसेबल हो रखी होती है। ये यहाँ से इसी मोटर का पानी जो है कि खेत में जा रहा है, और एक मोटर वो है सामने, एक ये मोटर चल रही है और दूसरी मोटर चल रही है ये। तो इन्हीं दो मोटरों का पानी खेत में जा रहा है। तो ये है मेहनत किसान की जो खेती करने में लगती है। तो किसान की मेहनत के लिए यार इस वीडियो को लाइक मारो और शेयर भी करना। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक मारो, वीडियो को शेयर करो, और ये सब्सक्राइब वाला रेड बटन है इसको दबाओ, और यार अपने भाई को सपोर्ट करो। तो यार सब्सक्राइब करो।